तालिबान ने अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। खबर है कि वहां रह रहे हिंदुओं और सिखों की जमीन और संपत्ति अब वापस लौटाई जाएगी। वो जमीन जो गलत तरीके से हथिया ली गई थी, छीन ली गई थी, उसे अब वापस लौटाया जाएगा। इतना ही नहीं, तालिबान कुछ हिंदू सिख परिवारों की देश में वापसी की तैयारी भी करवा रहा है। इन कामों की निगरानी के लिए आयोग भी बना दिए गए हैं। बताया गया है कि काबुल में तालिबान के न्याय मंत्रालय ने हिंदू और सिख समुदायों के विस्थापित सदस्यों को संपत्ति वापस करना शुरू कर दिया है। तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख सुहेल शाहीन के अनुसार, पूर्व शासन के दौरान हड़पी गई सब संपत्तियों को उनके मालिकों को वापस करने के लिए न्याय मंत्री की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई है। सुहेल शाहीन ने बताया कि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले हिंदू और सिख परिवारों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए एक आयोग का गठन भी किया गया है। उन्होंने याद दिलाया कि हाल ही में संसद के पूर्व सदस्य नरेंद्र सिंह खालसा कनाडा से वापस अफगानिस्तान लौटे हैं। दरअसल साल 2021 में तालिबान के कब्जे करने के साथ ही देश की संसद को भंग कर दिया गया था, जिसके बाद कई अल्पसंख्यकों ने दूसरे देशों में शरण ले ली थी। नीदरलैंड स्थित अफगान टिप्पणीकार संगर पायखार ने बताया कि नरेंद्र सिंह खालसा और उनके परिवार की वापसी दिखाती है कि अफगानिस्तान लौटने की इच्छा रखने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों से जुड़े नेताओं का स्वागत करती है। तालिबान के एक अधिकारी ने कहा कि ये पहल देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले अन्याय के निवारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इधर भारतीय अधिकारी तालिबान के इस फैसले को भारत के प्रति सकारात्मक संकेत के तौर पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि हिंदू और सिख समुदाय अफगानिस्तान की आबादी का लगभग 1% हिस्सा है।